नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे सेक्शन ऑफ सॉलिड्स के बारे में, इसके एक प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं सेक्शन होता क्या है। अब देखिए, कोई भी फिगर होती है, अगर हम उसके हिडन पार्ट को दिखाना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम एक क्यूब ले लें, इस तरह से एक हमने क्यूब ले ली और इसके अंदर कोई होल है। मान लीजिए सेंटर में यहाँ पर होल है, आप सामने से इसको इस तरफ से देख रहे हैं और इस होल को दिखाना चाहते हैं, तो हम इसको किस तरह से ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए हम इसके एक सिंपल सी डायग्राम बना लें, सामने से देख रहे हैं फ्रंट व्यू, और बीच में हम ये डैश लाइन लगा देते हैं इस तरह से, ताकि हिडन पार्ट को दिखा सकें। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत सारे हिडन पार्ट होते हैं जिनको अगर हम इन डैश लाइन से दिखाएंगे तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड ड्रॉइंग हमारी हो जाती है, इसलिए सेक्शन का यूज किया जाता है। सेक्शन का मतलब होता है किसी चीज को कट कर देना। मान लीजिए हम इसको इस तरह से कट कर देते हैं, मान लीजिए एक प्लेन आया, इस तरह से एक प्लेन हमने लिया और इसको कट कर दिया। तो जब हमने इसको कट कर दिया तो सामने से हम देखेंगे, हम ऐसा मानेंगे कि कट करने के बाद हमें जो अंदर का पार्ट है वो दिख रहा है, साफ दिख रहा है, तो हम उसको सेक्शनिंग बोलते हैं। और ये जो सेक्शनिंग होती है, जब भी हम कोई पार्ट बनाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें सेक्शनिंग करनी है, इस तरह का पार्ट अगर हमें काट दिया है, तो यहाँ पर हम 45 डिग्री पर इक्वल स्पेसिंग लेकर इस तरह से लाइंस बनाते हैं, तो इसको हम सेक्शनिंग बोलते हैं कि ये कटा हुआ पार्ट है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है हमें जब भी हम सेक्शन ऑफ सॉलिड्स की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमें क्या करना है, कट करके यानी कि उसके अंदर अज्यूम करना है कि वो हमें साफ दिख रहा है, और कट पार्ट को हमें इस तरह से सेक्शनिंग में दिखाना है। और अगर मान लीजिए होल तक हमने कट किया है तो डायरेक्ट जो है डार्क लाइन यहाँ पर आ जाएगी कि हम अंदर देख रहे हैं, बाकी इस होल से इस तरफ और उस तरफ सेक्शनिंग आ जाएगी, इस तरह से हमें करना है। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन है, हमारे पास एक क्यूब है, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एज है उसके, जो कि रेस्ट कर रही है एचपी के ऊपर यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। ऑन वन ऑफ इट्स फेस विद इट्स वर्टिकल फेस, अब एक फेस के साथ तो वो एचपी पर रेस्ट कर रही है और जो उसका एक फेस है, जो वर्टिकल फेस है, वो इंक्लाइन है 30 डिग्री टू द वीपी, वर्टिकल प्लेन से 30 डिग्री इंक्लाइन दिया गया है। एक फेस जो वर्टिकल फेस है, इट इज कट बाय ए सेक्शन प्लेन, इसको एक सेक्शन प्लेन के साथ कट किया गया है जैसे अभी हमने देखा था, और ये जो सेक्शन प्लेन है ये पैरेलल टू द वीपी है, ये पैरेलल हमें दिया गया है टू द वीपी, पैरेलल टू द वीपी और 10 mm अवे फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस से 10 mm अवे है ये सेक्शनल प्लेन। हमें इसका सेक्शनल व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करना है। सेक्शनल व्यू क्यों बोला, क्योंकि कट पार्ट हम कर रहे हैं वो चीज हमें ड्रॉ करनी है और टॉप व्यू ड्रॉ करना है। तो चलिए यहां पर हम ले लेते हैं दो प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन हमने ले लिया और एक ले लिया हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहां पर हम ले लेते हैं एक क्यूब को, और ये जो क्यूब हमने इस तरह से ली है, जैसे ये वर्टिकल फेस है, वर्टिकल प्लेन के 30 डिग्री इंक्लाइंड है। यहाँ पर देखिए, अगर इस लाइन को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे वर्टिकल फेस से, तो ये जो है ये वर्टिकल फेस हो गया और इनके बीच में ये जो एंगल होगा, ये कितना एंगल होगा, 30 डिग्री का एंगल होगा, यानी कि यहाँ से ये जो वर्टिकल फेस हमने लिया है ये 30 डिग्री इंक्लाइन कर दिया, इस क्यूब को इस तरह से टिल्ट कर दिया कि ये जो वर्टिकल फेस है ये हमारा 30 डिग्री इंक्लाइंड हो जाए, इस तरह से हमें लेना है। अब हमें इसको एक सेक्शन प्लेन के साथ भी काटना है जो पैरेलल टू द वीपी हो। अब यहां पर हम एक सेक्शन प्लेन ले लेते हैं जो कि पैरेलल टू द वीपी होगा और इस क्यूब को कट करेगा। अब ये जो सेक्शन प्लेन है वो कहाँ पर है, जो इसका एक्सिस है, एक्सिस क्या होता है, ये जो ऊपर वाला फेस हो गया और नीचे वाला फेस हो गया, इसका जो सेंटर लाइन है अगर हम लें, उससे ये जो हमें दिया गया है कितनी mm अवे है, 10 mm अवे, वर्टिकल प्लेन के तो पैरेलल हो गया ये, और इससे जो है 10 mm दूर है ये, तो ये चीज हमें यहाँ पर मिल गई जो कि इसको कट करेगा। ये हमने सिर्फ लाइन के रूप में दिखाया है कि ये इसको कट करेगा। ये प्लेन कहाँ से आया, इस तरह से ये आया और इसने इसको कट किया, वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, ये सेंटर से 10 mm दूर है, 10 mm अवे फ्रॉम द एक्सिस कह लीजिए, ये 10 mm अवे फ्रॉम द एक्सिस है। अब हमें इसका सेक्शनल व्यू और टॉप व्यू बनाना है। चलिए अब इसका सेक्शनल व्यू और टॉप व्यू बनाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टॉप व्यू की, जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें जो ये सेक्शन प्लेन है बिल्कुल एक लाइन के रूप में दिखेगा, यानी कि अगर हम उस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाएं और यहाँ पर देखें तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर वो वहां पर उसकी प्रोजेक्शन आएगी और हॉरिजॉन्टल ट्रेस हमें मिलेगी। ट्रेसेस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो
तो टॉप व्यू देखेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल ट्रेस की लाइन सबसे पहले हमें ले लेनी है। तो यहां पर हम इस तरह से इस क्यूब को दिखा देते हैं कि इस तरह से हमने इसको कट कर दिया। जैसे ये प्लेन आया, इसने कट किया, तो ये सेक्शनिंग हमने कर दी यहाँ पर। तो इस तरह से कुछ कट करेगा ये इसको, इस क्यूब को। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक एक्स वाई लाइन। तो यहाँ हमने ये वाली जो लाइन है एक्स वाई लाइन यहाँ पर ले ली, और यहाँ पर हमें ले लेनी है एक हॉरिजॉन्टल ट्रेस की लाइन। तो ये क्या है हमारे पास, एच टी है, हॉरिजॉन्टल ट्रेस, यानी कि ये जो सेक्शनल प्लेन है जब ऊपर से देखेंगे एक लाइन के रूप में दिखेगा, उसकी जब ट्रेसेस को देखेंगे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कट करेगी, हॉरिजॉन्टल ट्रेस हमें मिलेगी। तो हॉरिजॉन्टल ट्रेस की लाइन हम यहाँ पर लेंगे। ये जो है इस तरह से हम सेक्शन जो लाइन है उसको हम दिखाते हैं। जैसे वीपी के पैरेलल ये सेक्शनल प्लेन था, जो कटिंग प्लेन था, तो यहाँ से थिक होती है ये, यहाँ से भी थिक होती है और बीच में थिन होती है। इस तरह से इस जो कटिंग प्लेन की जो लाइन हम लेंगे जब ऊपर से देखेंगे, तो इस तरह से हम दिखाएंगे कि यहाँ पर ये जो है हमारा कटिंग प्लेन है। तो ये चीज दिखा रहा है। अब यहाँ पर हमें पता है जो सेंटर है, पहले तो हम वो ले लेंगे। इस सेंटर से कितनी दूर हमें ये लेनी है, 10 mm दूर लेनी है, क्योंकि ये सेक्शन प्लेन इस एक्सिस से कितनी दूर था, 10 mm दूर था। तो पहले तो हमने एच टी ले ली, और इससे 10 mm दूर हम एक सेंटर ले लेते हैं। और इस सेंटर से अब हम इसको पूरे एक स्क्वायर को बना लेंगे, क्योंकि हमें पता है जो इसकी साइड है वो हमें दी ही गई है, 40 cm लॉन्ग एज है। तो 40 40 cm का एक स्क्वायर जो है इस सेंटर को लेकर हम इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पर ये जो एंगल होगा एक्स वाई के लाइन के साथ, तो ये भी याद रखना है ये कितना होगा। ये हमें दिया गया है 30 डिग्री। 30 डिग्री की लाइन लेंगे, उस पर 40 mm कट करेंगे, और फिर से जो है 40 mm 40 mm 40 mm लेकर इस सेंटर को मानकर इसे दूरी भी माप सकते हैं। तो ये जो है हम स्केयर बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये स्केयर बन जाएगा। अब ये हमने दिखा दिया कि ये जो है कट पोर्शन आउट होगा, ये वाला जो बाहर वाला है, ये वाला पोर्शन, ये तो हमने कट कर दिया, क्योंकि ये सेक्शन प्लेन आया और इसने बाहर के पोर्शन को कट कर दिया। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये जो बाहर वाला पोर्शन है कटेड पोर्शन है। अब जो है हम इसको फ्रंट से देखेंगे, जब टॉप से देखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा। अब जब हम टॉप से देख रहे हैं, एक और चीज इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, जो ये सेक्शन प्लेन है कहाँ कहाँ पर कट किया वो चीज देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये ए ले लेते हैं, ये पॉइंट बी, ये सी, ये डी, इसी तरह से ये ले लेते हैं ई, ये ले लेते हैं एफ, ये जी और ये एच। इस तरह से हमने ए बी सी डी और ई एफ जी एच पॉइंट ले लिए। अब ये जो सेक्शन प्लेन है ये इन एजेस पर कहाँ कहाँ पर कट कर रहा है वो ले लेते हैं। जैसे ए बी आरम पर ये यहाँ पर ले लेते हैं 1 पर कट कर रहा है, यही है। बी सी आरम पर ये हम मान लेते हैं कि ये जो है 2 पर कट कर रहा है। यहाँ पर जो एफ जी आर्म है इस पर मान लेते हैं कि ये 3 पर कट कर रहा है, और ई एफ आर्म है इस पर ये 4 पर कट कर रहा है। ये कौन से पॉइंट हमने लिए, जहां पर ये सेक्शन प्लेन इन एजेस को कट कर रहा है, वो वाले पॉइंट। तो यहाँ पर हमें नाम दे देने हैं उसी तरह से, जैसे यहाँ पर ये क्या था हमारे पास, टॉप व्यू है तो स्मॉल लेटर ए आएगा, ऊपर से देखेंगे तो यही देखेगा ए बी सी डी। तो यहाँ पर ये ले लेते हैं बी, ये ले लेते हैं सी, ये ले लेते हैं डी, और यहाँ पर ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है। इसी तरह से ये नीचे वाला फेस है ई एफ जी एच, और यहाँ पर ए बी के ऊपर 1 पर कट है। वो जो ए बी है वो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि यहाँ पर ये किस पे कट है, 1 पर। इसी तरह से जो बी सी है वहां पर 2 पर कट है बी सी। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आएगा ये क्या आएगा, 2 पॉइंट आएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें एफ जी पर, 3 पर कट है। तो यहाँ पर देखिए ये एफ है, ये जी है, तो 2 है, और यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, क्योंकि एक के पीछे जो है एक एज है। इसी तरह से यहाँ जो 1 था, अब 1 के पीछे ये 4 है, तो ये 1 है, ये 4 आ जाएगा। तो 1 4 2 3 इस तरह से हमें ये पॉइंट मिल गए। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो ये जो यहाँ पर सेक्शन प्लेन जो है कट कर रहा था, जो कि एच टी के ऊपर ही हमें मिलेगा, क्योंकि ये जो है वही चीज दिखा रही है, सेक्शन प्लेन जो है पैरेलल है, उसकी लाइन ही है ये एक तरह से जब ऊपर से देखेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट मिल गए और हमने ये सारी नेमिंग कर ली। अब इसकी प्रोजेक्शन को ऊपर की तरफ ले लेते हैं। ये प्रोजेक्शन हमने हर एक पॉइंट से ऊपर की तरफ ले लिया। अब जब सामने से आप देखेंगे 1 2 3 4, ये तो आपको पूरा कंप्लीट दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए इस व्यू के अंदर ये पूरा दिखाई देगा, क्योंकि इसने इसको कट कर दिया है, और कटेड पोर्शन को आउट कर देंगे हम। तो ये 1 2 3 4 जो है ये हमें पूरा दिखाई देगा, और इसको हम डिनोट कर देंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश से। पहले तो सेंटर लाइन ले लेते हैं, और यहाँ पर जो है ये सारी प्रोजेक्शन लाइन जो है, पहले हम जो वर्टिकल लाइन है वो ले लेते हैं।
इस तरह से इसको बना लेते हैं, पूरा वर्टिकल लाइन लेकर और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जोड़कर। अब देखिए ध्यान से इसको हम नेमिंग करेंगे। अब देखिए ये वन था हमारे पास, और वन कहाँ था, ये हमारे पास यहाँ था, वन के पीछे फोर था, ये वन डैश हो गया, ये फोर डैश हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया, टू डैश, टू के पीछे थ्री था तो ये थ्री डैश हो गया। यहाँ पर देखिए ये था हमारे पास, अगर हम इसको देखें वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, तो ये वन डैश, टू डैश, थ्री डैश और फोर डैश, ये हमने दिखा दिया वन डैश, टू डैश, थ्री डैश, फोर डैश, डार्क लाइन के साथ दिखाया है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट हमें दिखाई देगा, उसके साइड में ये भी डार्क लाइन है, ये चीज ये दिखा रही है, ये डार्क लाइन है, और उसके पीछे जो है ये भी हमें दिखाई देगी क्योंकि टिल्टेड है, तो इसलिए ये भी डार्क लाइन है। तो ये सारे जो कॉर्नर है ये हमें दिखेंगे, लेकिन ये वाला जो बी वाला पॉइंट देखिए, बी वाला और जो एच वाला, अब एच वाला जो पॉइंट है वो तो पीछे है, तो हमने डैश लाइन के साथ उसको दिखाया इस लाइन को कि ये हमारी हिडन हो गई, और ये जो है हमने थोड़ी फेंट दिखाई है लाइन, ये वाली जो बी वाली लाइन है, यानी कि ये जो था पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये बी पॉइंट था, ये कट के बाहर निकाल दिया, काट के सबसे आगे वाला पोर्शन था कट आउट करके बाहर निकल गया, तो ये हमने बी वाली जो लाइन है इसीलिए यहाँ पर हमने फेंट लाइन दिखाई है थोड़ी, कि कटेड पोर्शन आउट कर दिया। इन लाइनों को ध्यान से समझिए, जो लाइन हमें साफ साफ दिखाई दे रही है सारी हम डार्क लाइन के साथ बनाएंगे, सेंटर लाइन हमने बनाई, हिडन पार्ट के लिए हम डैश लाइन बनाएंगे, फेंट लाइन किसके लिए बना रहे हैं हम, जो हमने कट आउट करके बाहर निकाल दिया, ये पोर्शन कट आउट करके बाहर निकाल दिया था, तो ये जो बी लाइन है यानी कि ये जो पूरा एज था, ये वाला पूरा एज था, ये वाला इस तरह से, ये हमारे पास क्या आया, ये हमने यहाँ पर फेंट लाइन के साथ दिखा दिया। और यहाँ पर अगर हम नेमिंग करेंगे, यहाँ पर ये यह क्या आ जाएगा, ये वन डैश के पास जो था ए था तो ए डैश आ गया, यहाँ पर जो है ये सी डैश आएगा, देखिए ध्यान से, क्योंकि ये पोर्शन कट आउट कर दिया, ये पीछे है सी डैश, इसी तरह से यहाँ पर ये यह क्या था हमारे पास, ये ई डैश था, ये ई डैश आएगा, और यहाँ पर ये यह क्या आ जाएगा, जी डैश, क्योंकि सी के पीछे क्या था, जी था, यहाँ पर देखिए सी के पीछे जी था, तो सी डैश जी डैश, तो इस तरह से ये सारी नेमिंग हम कर देंगे, और ये जो सेक्शनल व्यू है ये हमारे पास बनेगा, ये सेक्शनल व्यू बनेगा, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, टॉप व्यू बन जाएगा। तो ध्यान से जो सेक्शन ऑफ सॉलिड्स की प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना है, क्योंकि नेमिंग में हमें पूरा ध्यान देना है कि कौन सी लाइन को डार्क करना है, फेंट करना है, डैश रखना है, तो ये सारी चीजें अलग अलग करनी है, नेमिंग का भी ध्यान रखना है कि कौन सा पोर्शन कटआउट होकर बाहर आया है, तो इस तरह से पूरा ध्यान रखकर हमें क्वेश्चन करना है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।